नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के भाग तीन की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम भाग दो पढ़ेंगे। इसमें आएगा नागरिकता, और फिर भाग तीन जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, और फिर भाग चार जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है भारतीय संविधान की भाग तीन वीडियो, जिसमें हम भाग दो पढ़ेंगे। इसमें है अनुच्छेद 5 से 11 तक, ये भी पूछ लिया जाता है, और इसमें नागरिकता के बारे में बताया है। ये जो नागरिकता ली गई है, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, इसमें आता है अनुच्छेद 5, जिसमें नागरिकता की परिभाषा दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 6, जिसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का उल्लेख है। फिर अनुच्छेद 7, इसमें भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता है। इसके बाद अनुच्छेद 8, जिसमें PIO यानी के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, जिसमें भारतीय मूल के लोग हैं। फिर आता है अनुच्छेद 9, जिसमें नागरिकता की का खारिज होना बताया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 10, जिसमें नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। फिर आता है अनुच्छेद 11, जिसमें संसद चाहे तो नागरिकता के अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, ये दो पॉइंट है, OCI और NRI, इन्हें भी जान ले। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को कहते हैं, और NRI 9 जनवरी जिसे प्रवासी दिवस कहा जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे, इसीलिए इसे NRI दिवस या प्रवासी दिवस कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें। आगे देखते हैं दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है जो कि 10+2 2015 में पूछी गई थी, जो कि 10 जनवरी जिसे विश्व हिंदी दिवस कहते हैं, और 1 जुलाई इसे डिजिटल इंडिया डे कहा जाता है, और 7 अगस्त जिसे हैंडलूम डे कहा जाता है, और 15 अक्टूबर जिसे स्टूडेंट डे कहा जाता है। ये बीच में लिखी हुई है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी, SSC 10+2 2015 के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता 5 तरीक़ों से मिलती है और 3 तरीक़ों से खारिज की जा सकती है। तो इनको देखते हैं, जो 5 तरीक़ों से मिलती है, वे 5 तरीके कौन कौन से हैं, इन्हें देखते हैं। जिसमें पहला है, जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत में पैदा हुआ था उसे नागरिकता मिलती है, और 1 जुलाई 1986 के बाद भारत में पैदा हुए वो सभी भारतीय माने जाएंगे जिनके माता पिता भी भारतीय हो। दूसरा पॉइंट इसमें आता है वंशानुगत नागरिकता। कोई व्यक्ति यदि भारत के बाहर जन्म लेता है तो वो तभी भारतीय होगा जब उसके माँ बाप में से कोई एक भारतीय हो। तीसरा आता है पंजीकृत नागरिकता। 12 साल में से 7 साल तक भारत में रहा हो या पिछले 1 साल से लगातार रह रहा हो, वह पंजीकृत करा सकता है। उसके बाद प्राकृतिक नागरिकता, इसमें बताया है 14 साल में से 12 साल तक भारत में रहा हो या पिछले 1 साल से रह रहा हो, उसे ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट, इसमें कहा गया है विलय से नागरिकता। किसी भी देश के विलय होने पर भारत में रहने वाले या आने वाले लोगों को नागरिकता ऑटो डिफॉल्ट प्राप्त हो जाती है। और दोस्तों, 3 तरीके से नागरिकता छीन ली जाती है, यानी कि खारिज हो जाती है, जिसका पहला तरीका है स्वेत ही त्याग देना, और दूसरा सरकार द्वारा खारिज कर देना, या गैर कानूनी नागरिकता। 3 प्रकार से नागरिकता छीनी जा सकती है। इसमें एक पॉइंट ये है, देशद्रोही हो जब भी, पागल हो या दिवालिया हो, उसमें भी नागरिकता खारिज हो जाती है। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है भाग तीन। दोस्तों, भाग तीन में है मौलिक अधिकार, जो कि हमारे USA से लिए गए हैं। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बार पूछ लिया गया है कि अनुच्छेद 12 से 35 कौन से भाग में आते हैं, या मौलिक अधिकार में अनुच्छेद कौन से है। तो इसमें सबसे पहले 1800
1995 में एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मांग की थी लेकिन फेल हो गई थी। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की थी। 1931 में ही दूसरे गोलमेल सम्मेलन में गांधी जी ने मांग की थी और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यानी कि एक्ट आया लेकिन मौलिक अधिकारों के बिना, और 1945 में तेज बहादुर समिति बनी। इन्होंने मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांटा जिसमें एक भाग था कोर्ट में जा सकते हैं जो कि यूएसए से लिया गया है और दूसरा भाग कोर्ट में नहीं जा सकते जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 300A जिसमें संपत्ति का अधिकार है, अनुच्छेद 301 जिसमें व्यापार का अधिकार है, अनुच्छेद 320 जिसमें मतदान का अधिकार है, अनुच्छेद 12 जिसमें मौलिक अधिकारों की परिभाषा है। दोस्तों ये जो अनुच्छेद 300A और 301 320 है ये भाग तीन में नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पहले थे लेकिन अब नहीं रहे। और अनुच्छेद जो आपका 13 है, संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इसका उल्लेख मिलता है। फिर आपका अनुच्छेद 14 से 18 जिसमें समानता का अधिकार आता है, जिसमें अनुच्छेद 14 न्याय की समानता, राष्ट्रपति व राज्यपाल में समानता नहीं, ये भी ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 15 जिसमें धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर समानता होती है, अनुच्छेद 16 इसमें समान अवसर की समानता, और फिर अनुच्छेद 16(4) जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए विशेष आरक्षण का उल्लेख है, फिर अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत है, इसे बदला नहीं जा सकता, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों का अंत है, केवल डिफेंस पर्सन या डॉक्टर लगा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 19(1) वाक की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(2) शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है, विदाउट वेपन्स, और फिर अनुच्छेद 19(3) संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 19(4) भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 19(5) भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता या अधिकार, फिर अनुच्छेद 20 अपराध से संरक्षण। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है अनुच्छेद 21 जिसमें जीने का अधिकार है, ये भी एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगर देश में राष्ट्रीय आपात लगा है तो कोई भी अनुच्छेद छीना जा सकता है लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ये ध्यान रखना है। किन लोगों के पास उनके मौलिक अधिकार नहीं होते, दोस्तों जो डिफेंस में होते हैं उनके पास मौलिक अधिकार नहीं होते, ये भी ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी में संरक्षण, और अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 23 ये है बाल श्रम पर प्रतिबंध या बलात्श्रम पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध, ये अलग अलग है, ये बलात् है और ये बाल है, जिसमें 14 से कम उम्र वालों पर है। और अनुच्छेद 25 से 28 इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये एक बार यूपी पुलिस में पूछा गया था। आगे देखते हैं अनुच्छेद 25 भारत में व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, इसमें सिखों को कृपान रखने की अनुमति भी दी गई है, ये भी प्रश्न बनता है, सिखों को कृपान रखने की अनुमति अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 26 व्यक्ति कोई भी धर्म या धार्मिक सम्मेलन या कार्यक्रम कर सकता है। अनुच्छेद 27 सभी धार्मिक आय कर मुक्त होते हैं। अनुच्छेद 28 इसमें कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, ये भी कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 29 से 30 तक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 29 में कहा गया है व्यक्तियों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को मानने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 30 व्यक्ति को अधिकार है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए
शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 32, इसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, जिसमें B.R. अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 ही संविधान की आत्मा है, ये नोट कर लीजिएगा। फिर आपका आता है भाग 4, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक का उल्लेख है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये ध्यान रखना है, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो भाग 4 का लक्ष्य क्या था, ये भी प्रश्न बनता है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये 3 भाग 4 में नहीं रहे, जो कि अनुच्छेद 335 था और 350A और अनुच्छेद 351। 335 में है राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देगा, और 350A में राज्य प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में ही उपलब्ध कराएगा, और अनुच्छेद 351 राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में हिंदी भाषा का विकास करे। ये तीनों के तीनों जो अनुच्छेद हैं, ये भाग 4 में नहीं रही, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इसके बाद आता है अनुच्छेद 36, नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा मिलती है। अनुच्छेद 37 में, इनके खिलाफ अदालत में नहीं जाया जा सकता। अनुच्छेद 38, राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में कल्याणकारी योजनाएं चलाए, और अनुच्छेद 39, समान कार्य के लिए समान वेतन, और अनुच्छेद 40, प्रत्येक राज्य में एक पंचायती राज होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, और अनुच्छेद 41, काम पाने का अधिकार, और अनुच्छेद 42, कार्य करने की मानवीय दशाएं, फिर अनुच्छेद 43, राज्य में कुटीर उद्योग का विकास और प्रोत्साहन करना, इसके बाद अनुच्छेद 44, नागरिकों को सिविल कोर्ट का प्रावधान, इसके बाद अनुच्छेद 45, 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये कहाँ से शुरू की गई, ये भी प्रश्न बनता है। ये 11/11 में, यानी कि 11 तारीख नवंबर और 2011 से मेवात हरियाणा से शुरू की गई। फिर आता है अनुच्छेद 40, जिसमें राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में SC/ST के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। इसके बाद अनुच्छेद 47, राज्य किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये जो खाद्य एवं पेय पदार्थ है, ये संवर्ती सूची से संबंध है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 48, राज्य में कृषि का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य होगा, ये कहा गया है। फिर आता है अनुच्छेद 48A, इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पर्यावरण का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है, कहा गया। इसके बाद अनुच्छेद 49, जिसमें राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। फिर अनुच्छेद 50, राज्य में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को अलग करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। इसके बाद ये आपके मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 51A के द्वारा जोड़े गए हैं। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, ये पहले 10 थे, इसमें एक और जोड़ दिया गया, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जुड़ा, ठीक है। ये जो एक आपका मौलिक कर्तव्य है, ये है शिक्षा, यानी कि शिक्षा को इस मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 51A के अनुसार और 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, जो अब हमारे मौलिक कर्तव्य है, जो कि 11 है, अभी मैंने पीछे बताए हैं, इन 11 के 11 को भी जान लेना जरूरी है। तो देखते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों। ये हमारे थंबनेल में नहीं लिखे गए थे, क्योंकि इसमें मैंने भाग लिख दिए थे बस, जिसमें आपका भाग 4 और 3 और 2, ठीक है, लेकिन इसमें मौलिक कर्तव्य को भी मैंने ऐड कर दिया, तो इन्हें भी एक बार देख लेते हैं।
पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये है हमारे संविधान का पालन करना चाहिए, यानी कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, अपने राष्ट्रगान व राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई है इसका जो अनुपात है ये 3:2 का है, ये भी ध्यान रखना है। फिर दूसरा हमारा कर्तव्य है हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए, और जो तीसरा है हमें अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम रखना चाहिए। फिर चौथी है हमें देश की रक्षा और ज़रूरत पर उसकी सेवा के लिए उपस्थित रहना चाहिए, और जो पांचवा है हमें अपने देश की बंधुता को कायम रखना चाहिए। फिर है छठा हमें अपने देश की कला और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए जो कि हम बिल्कुल नहीं करते। फिर है सातवा हमें अपने देश के पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करनी चाहिए। फिर है आठवा हमें अपने देश के वैज्ञानिक आविष्कारों का सम्मान करना चाहिए। और आगे देखते हैं, आगे आपका नौवा हमें अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। फिर है दसवा हमें किसी भी धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर मतभेद नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। फिर है ग्यारहवा 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता का कर्तव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य है जिनकी संख्या 11 है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मौलिक जो हमारे अधिकार हैं उनकी संख्या तो है 6 और जो कर्तव्य है वो है 11। बाकी ये भारतीय संविधान की वीडियो 3 है, और आपको अगर भाग 2 या भाग 1 देखना हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको इसी तरह की नई वीडियो और कोई भी नई जानकारी तुरंत उपलब्ध करा सके। धन्यवाद।